अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे। और आज का बहुत दुखद न्यूज़ आई है नेपाल से। हमारे जो सऊदी में जो GCC वाले जो गल्फ के रहते हैं, वो उनके लिए कुछ बुरी खबर आई है। कुछ लोग हैं जो सऊदी अरबिया में रहते हैं, उनके लिए दुखद खबर आई है। इंडिया से भी एक खबर आई है, इंडिया यूपी से। तो मैं अभी आपको मैं शेयर करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ना दोस्तों, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो न्यूज़ और वीज़ा के रिलेटेड और ब्लॉग इस समय बना के आपको देता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं न्यूज़। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, जो हज के रिलेटेड न्यूज़ आई हुई है। तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा कंफर्म कर दिए हैं दैट हज पिलग्राम ऑफ GCC कंट्री हु आर रेसिडेंशली करेंटली इन सऊदी अरबिया विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर इन द अकुलेटेड सीट फॉर कंपनीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमेस्टिक पिलग्राम ऑफ दिस ईयर्स हज सीजन, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अभी हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हज मंत्रालय ने कहा हुआ है, वो पुष्टि की है कि जो भी जैसे दुबई, कतर, मस्कत, ओमान और बहरैन और ओमान, ये मतलब जहां से भी ये गल्फ कंट्री है, अगर वो मतलब कि सऊदी अरबिया में अगर रह रहे हैं, तो वो उनके लिए देश के हज यात्रियों के वर्तमान में सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, वो इस साल के हज सीजन के घरेलू में मतलब हज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत दुखद न्यूज है उन भाइयों के लिए जो और कोई कंट्री से आके यहाँ पे रहते हैं GCC वाले। इंशाल्लाह मुश्किलें नेक्स्ट टाइम, आई होप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा कोई न्यूज नहीं आएगा। अभी तो इस दफा तो ये लोग कंफर्म कर चुके हैं। सो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेपाल से। नेपाल में एक फ्लाइट दुर्घटना हो गई है, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो लगा देता हूँ। एक वीडियो लगाता हूँ पहली स्टार्टिंग की वीडियो आना दोस्तों, तो आप ये देखिए वीडियो, ठीक है भाइयों। ये देखो पहले वीडियो देखो ना दोस्तों, तो देख सकते हैं जैसा कि ये फ्लाइट आ रही है ना, ये क्रश हो गया। तो अभी मैं दूसरी वीडियो लगाता हूँ क्रश होने के बाद की, देख सकते हैं कितना क्राउड हुआ, कितना नुकसान हुआ है वहाँ पे ना दोस्तों। देखिए देखो यहाँ पे कितना धुआं धुआं हो गया है, पूरा खराब एकदम हो गया, और इसमें बहुत सी जाने जब भी जा चुकी हैं, इसमें बहुत सारी जाने गई हैं यार। बहुत दुखद घटना है ये। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि जिनकी भी डेथ हुई है उनके घर वालों को ऊपर वाले सबर दें। देखो देखो कितना धुआं धुआं पूरा हो गया, देखो फ्लाइट क्रैश हुई, देखो फ्लाइट क्रैश हुई, देखो पूरा कितना धुआं धुआं हो गया है ना दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में मैं पूरा बताता हूँ आपको, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मैं इसके बारे में पूरा बताता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, इसमें 72 पैसेंजर थे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे पैसेंजर थे, बोट के सभी 72 यात्रियों की मौत हो गई, सभी के सभी लोग 72 लोग की मौत हो गई यार, 72 लोग डाइड हो गए। ओह माय गॉड। हाँ दोस्तों, एटी एयरलाइंस प्लेन इसमें 72 पैसेंजर सवार थे, नेपाल पोखरा में हुआ है ये हादसा। जो हुआ, जो फ्लाइट जो क्रैश हुई है, ये नेपाल पोखरा में हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत दुखद घटना है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है, मैं आपको दिखाता हूँ ये जहाँ पे मस्जिद तोड़ दी गई है ना। इंडिया के अंदर एक मस्जिद थी, शाही मस्जिद थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी पहले आप वीडियो देखिए। देखिए ये बुलडोजर है, तो देखो ये मस्जिद को ध्वस्त कर रहा है, मस्जिद को ढा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं बताऊँगा ये कहाँ का है, ये किस जगह का है, क्या मैटर हुआ है, मैं भी बताता हूँ, और किस वजह से ये मतलब की गई है। तो जैसा कि आप वीडियो में देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ, और मैं वीडियो भी लगा दिया था, अभी आप देख भी लिए पूरे अच्छे तरीके से। ये शेरशाह सूरी के समय में बनी सैदाबाद शाही मस्जिद है, ठीक ना। ये इलाहाबाद में, सैदाबाद इलाहाबाद में आता है, ठीक ना दोस्तों। जो एक ऐतिहासिक मस्जिद थी, उसको बुलडोजर चलाया गया है ना दोस्तों। वजह क्या थी, रोड ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से अभी रोड ना कम पड़ रहा था, बहुत कम चौड़ा था, तो इसको चौड़ा कर रहे थे ये लोग। तो थोड़ा सा ये लोग मेरे ख्याल से 2 फीट ये लोग मतलब रोड चौड़ा कर रहे थे, तो इसकी वजह से
ये मस्जिद, और मस्जिद भी आया था, मंदिर भी आया है, तो वहां पे ढाया गया। तो ये देख सकते हैं, ये पुलिस कमिश्नर जो प्रयागराज के हैं वो ट्वीट किए हैं ट्विटर पे, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयाग हंडिया मुखिया मार्ग का चौंडीकरण कार्य किया जा रहा है। थाना क्षेत्र हंडिया के कस्बा सौदाबाद में निर्मित शाही मस्जिद सड़क चौकीकरण के मार्ग में स्थित मस्जिद कमेटी के सदस्य द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के पश्चात बनी आम सहमति से दिनांक 09/1/2023 को मस्जिद को हटाया गया। स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यानी ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है, मतलब काफी सारे लोग के साथ मतलब बैठ के बातचीत हुई है, उनके समझौते के साथ उसके बाद फिर हुआ है ऐसा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, है ना दोस्तों। और मैं इस चैनल पे आपको मैं ब्लॉग भी देता रहूंगा, और वीजा के रिलेटेड भी देता रहूंगा, और न्यूज भी देता रहूंगा, और जो भी आपके लिए बेनिफिट के रिलेटेड होगी वीडियोस मैं बना के आपको देता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों। सो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।